नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ। प्रशांत किशोर, जब यह कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, तो यह तो ठीक ही है, उन्हें क्यों डरना चाहिए किसी से? और यह भी कि प्रशांत किशोर से किसी राजनीतिक दल को क्यों डरना चाहिए, जो बिहार में वो आजकल डराने का काम खूब कर रहे हैं कि उस पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, उस पार्टी को इतनी सीट मिलेगी, उस नेता के पास यह डिग्री नहीं है, उस नेता के पास यह डिग्री नहीं है, तो इस तरह के तमाम जो चीजें चल रही हैं। तो जब प्रशांत किशोर यह कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, तो आखिर वो क्यों कहते हैं ऐसा? यानी वो किसी को डरा रहे हैं ऐसा, इसलिए उनको यह कहना पड़ रहा है कि वो किसी से डरते नहीं हैं। क्या प्रशांत किशोर किसी को डरा सकते हैं, जो जितने बिहार के राजनीतिक दल हैं? पहले तो यह बात है कि हमको कोई कंगाल न समझे, हमको कोई गरीब न समझे। क्यों भैया, आपके पॉकेट में कितना पैसा है? नहीं है, इसका मतलब कोई आपसे पूछा है कि आप भिखमंगा है, तब ना आपको लग रहा है, आपको कहना पड़ रहा है हमको कार है, फलना है, बंगला है, यह है, वह है। हमको कैसे आप कमजोर आ कर रहे हैं, गरीब आप भिखमंगा आ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात तो है कि भैया आप, हम किसी से नहीं डरते हैं, तो आप किसी से क्यों डरिएगा भाई? आप ठीक है, अभी भारत के नागरिक हैं, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र है, आप भारत की जनता तो हैं, जनता है, तो फिर डरने की क्या बात है? यार नियम है, कानून है, सब कुछ है। क्योंकि आप राजनीति में आए हैं तो ये कहते हैं कि राजनीतिक रूप से नहीं कोई डराएगा, ठीक है ना? तो राजनीतिक रूप से भी आपको क्यों कोई डराएगा? यहाँ तो स्वतंत्रता है ना भाई, इतनी दल है यहाँ देश में, कितना 100 दल है? एक दो तो दल है नहीं, सब लोग चला रहा है, अपनी बातें रख रहा है। अब तो ऐसे ऐसे दल है जो चुनाव के समय आते हैं, उनका नाम भी नहीं लोग, अब जाइएगा चुनाव आयोग के वेबसाइट पर तो भले दिख जाएगा कि पंजीकृत कितनी पार्टियां हैं, लेकिन वो कितना पार्टी का आपको नाम याद है? अब 2 दर्जन का नाम गिना सकते हैं जल्दी में, नहीं गिना पाइएगा। तो ठीक है, आप अभियान चलाने आए हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, करिए, ये तो बड़ी आजादी है। आपको कोई रोक रहा है? कोई दल आपको कहा है कि भाई इस राज्य में रैली न निकालिए, लोगों से न मिलिए, किसी की सरकार की आलोचना न करिए, विपक्ष की आलोचना नहीं करिए? तो स्वतंत्रता की बात है। तो अब 2 तरह की बातें हैं, नहीं तो कहीं से कोई उनको डरा रहा है तो कहना पड़ रहा है, लेकिन सवाल है कि उनको डराएगा कौन, क्यों डराएगा आज की तारीख में? ठीक है, वो अभियान चला रहे हैं, वहां भीड़ भी जुट जा रही है, सब कुछ हो रहा है। एक एक आधार यह हो सकता है कि शुरुआती दौर में जो सारण के इलाके से जो एक विधान पार्षद जीत के आ गया स्नातक क्षेत्र से, ठीक है ना, तो सकता है कि उनको लगा होगा कि भाई हमको तो अभियान के शुरुआत में ही हम सफलता दिखा दिए, न सत्ता पक्ष का उम्मीदवार जीता, न विपक्ष का जीता, वह हम किसी निर्दलीय को जीता, ठीक है, एक आधार मान भी लिया जाए उसको। तो जो वहां की परिस्थितियां थी, ठीक है ना, उस क्षेत्र की, वहां लंबे समय से एक आदमी थे, फिर उनके लड़के चुनाव लड़ रहे थे, वहां कोई इस तरीके से उम्मीदवार नहीं मजबूत मिल सका, आपस में टकराहट हुई, और फिर एक उम्मीदवार जो पहले से लड़ने की तैयारी में था कि हमको कहीं नहीं टिकट मिलेगा, फिर भी हम लड़ेंगे, उनको आपने समर्थन दिया या मार्गदर्शन दिया, जो दावा कर रहे हैं कि हमारे ही मार्गदर्शन से वो जीते हैं, हम चुनावी रणनीतिकार। लेकिन देखिए, ये जो सामान्य चुनाव जो होता है लोकसभा का या विधानसभा, ठीक है, वो चुनाव से बहुत अलग है। विधान माने स्नातक क्षेत्र का चुनाव, शिक्षक क्षेत्र का चुनाव, ठीक है ना, और अभी जो अभी पंचायत के तरफ से जो होता है ना, जो वहां भी चुनाव होता है, जो जो आते हैं परिषद के सदस्य जीत के, पंचायत समिति के सदस्य जी, वो भी जो विधान परिषद सदस्य चुनते हैं, उनका हिसाब उसमें है कि जो वोटर ज्यादा से ज्यादा बना लेता, ठीक है ना, क्योंकि वहां वोटर बनने की प्रक्रिया नहीं कि वोटर घर घर जा रहा है और जो है बीएलओ जा रहा है और आपसे पूछ रहा है, नहीं, वहां पूरा सर्टिफिकेट वगैरह जमा होता है कि आप स्नातक हैं तो स्नातक के सर्टिफिकेट की कॉपी दीजिए, सब कुछ होता है। तो लंबे समय से ही तैयारी करनी होती है ना, वो एक एक स्नातक को खोज करके जो लड़ने वाला है वो अपने टीम के साथ उनका कागज लेता है, जमा करता है,
तो एक बार तो सीधा संवाद वहां हो जा रहा है उसका वोटर से, जो पहले पहुंचा वो लिया कि भैया आपको हम वोटर बनाते हैं। वहां भी जब जाता तो सर्टिफिकेट लेकर के जाता, उसका रसीद पर्ची सब लेकर के जाना पड़ता है, बहुत तरीका से अलग होता है। तो इसका मतलब उस आदमी की बहुत पहले से मजबूती से तैयारी थी, समझे ना। तो इस तरीके से ठीक है, सफलता मिल गई। ऐसे आप आइएगा तो कुछ कई क्षेत्र हैं ऐसे, जैसे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ स्थानीय जो सवर्ण वोटर है ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं यहाँ शिकायत रहती है कि शुरू से हम लोग बाहरी के को समर्थन दे देते हैं, जो परिस्थितियां बनती हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के आज भी भाजपा के माने एनडीए के जो उम्मीदवार जीत रहे हैं, वो लालू जी के दल से कैप्टन जनरल निषाद होते थे, वो भी हाजीपुर के थे, वो गए आयातित होके वहां उनको लालू जी ने टिकट दिया, वहां वो रहे, उनके बाद उनके लड़के आ गए बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके प्रति असंतोष है। लेकिन बावजूद इसके वहां त्रिकोणीय लड़ाई करवा देंगे प्रशांत किशोर, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे कई सीटें हैं, सब कुछ है, इसलिए डरने डराने की बात जो है ना, जब होने लगता है ना तो समझिए कि राजनीतिक बरबुलापन की बात हो जाती है, जो आज की तारीख में राजनीति का ट्रेंड भी है और सब कुछ चल रहा है। तो उसमें जहां प्रशांत किशोर को हम खड़ा देखते हैं, उनको फिर दूसरे राजनीति दल और राजनीति राजनेता से अलग नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। वो इसको कहीं ना इस कहीं रूप इनका में, इसको बड़बोलापन है। इस रूप में देखा जाए कि जिस वोटर के पास या जिस जनता के पास वो जा रहे हैं और अपनी पहचान के तौर पर जो कुछ वो बता रहे हैं, 10 साल मैंने विदेश में काम किया, 10 साल मैंने अपने देश में काम किया, नेताओं को मैंने कुर्सी दिलाने में, मुख्यमंत्री बनाने में, पीएम प्रधानमंत्री बनाने में, सब ठीक है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जिस तरह से लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है ये युवाओं में बहुत अधिक है, तो युवाओं के बीच में अगर ज्यादा वो उनका आकर्षण होता प्रशांत किशोर का, तो जो मुद्दे होते वो ज्यादा कारगर होते, और क्योंकि हर घर से न कोई युवा तो होता ही है, तो उनकी परेशानियों से अगर सीधे मुखातिब होते तो शायद वो जो कर रहे हैं उनकी पदयात्रा अधिक रूप में दिखती है अभी। और बिहार के बदलाव में भी हाँ, वो देखिए, और बिहार के बदलाव में भी एक कोई कारगर हथियार मैंने जैसा कुछ महसूस होता, प्रतीत होता। ये जो अभियान ही चला रहे हैं ना, ये हम आपको शुरू से कह रहे हैं कई बार। एक तो ठीक है कि अभियान चलना चाहिए, ये अच्छा संकेत है कि कहीं तो कोई खड़ा हो रहा है, कुछ अच्छी बातें कह रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन इनका अभियान जो तरीका चल रहा है और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उससे हमको तो व्यक्तिगत रूप से कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़े बदलाव और क्रांति करने के पक्ष में वो आए हैं, ठीक है ना। उनका भी है कि एक धारा किसी तरीके से बनानी है और अपने को कहीं समायोजित करना है, ठीक है ना, चाहे जैसे हो जाए इधर उधर हो करके नहीं तो। और जहां तक दावा की बात है ना कि उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसको प्रधानमंत्री बनाया, तो फिर हम कह रहे हैं कि आज के तारीख में भले बहुत सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ ठीक है ना, उसको मोदी जी हाईजेक किए हुए हैं और सब अपना श्रेय ले रहे हैं, लेकिन आप उस दौर से देखिए ना, जब से आडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकली थी, पहली रथ यात्रा, उसके सूत्रधार कौन थे, जो सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई थी ना, जो सूत्रधार कौन थे उस समय, जब गिरफ्तारी भी हुई जब उनकी लाल कृष्ण आडवाणी की, तो उनके पीछे पीछे नारा लगाने वाला कौन था। तो एक दिन में मोदी की स्वीकारता नहीं हो गई थी बीजेपी में, नहीं तो बीजेपी को चेहरा लाके थोप देता अचानक से, किसी को हमको ले जाके थोप देता, मान जाएगा बीजेपी, मान जाएगी बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, वो लालू जी के पार्टी में मान जाएगा। तो इस तरीके से जो हुए, तो एक दिन में तो कोई नेता खड़ा नहीं हुआ है ना मजबूती से, उसका पार्टी का संगठन था, ढांचा था, सब कुछ थी, व्यवस्था थी उसके पास, आए जो तो भारत की राजनीति का पूंजीवादी राजनीति है, जिसके पास पैसा रहेगा जीतेगा, इक्के दुक्के जो भी आ जाए, पूरा इसमें ताकत लगता है, धनबल लगता है, यहाँ बहुत सामान्य चुनाव नहीं है, यहाँ किसी आयरे गने को जाकर के जीत लेना, बहुत ईमानदार आदमी मैदान में खड़ा हो जाए जीत लेना। और जिस तरीके से ही किनारे कि हम विदेश से आए कहीं से आए, तो आपको पिछले चुनाव में याद है जो एक नई पार्टी खड़ी हुई थी, जो
वो यंग लड़की थी, अपने बिहार की थी, विनोद चौधरी जी की लड़की थी, पुष्पम प्रिया आई थी ना बना के, इस तरीके से बड़े बड़े मीडिया में आने लगे, बड़े बड़े विज्ञापन सब कुछ हो गया, क्या हो गया, कहाँ चली गई। तो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के जो आती है और एक हवा बना करके आने के लिए, तो ऐसा कभी संभव हो जाए तो हो जाए, नहीं तो देश में ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं है जो एक दिन में कोई पार्टी खड़ा कर, केजरीवाल ने भी खड़ा किया तो लंबे समय तक जमीन पर काम करता रहा हुआ है, एनजीओ के माध्यम से, कुछ माध्यम से, इस माध्यम से लोगों को जोड़ा है। बाद के दिनों में ठीक है, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, तो कुछ ऐसी हवा बनी, फिर भी एक दिन में तो नहीं हुआ था, तो उसमें टाइम लगता है। और अभी ये सब जो विश्लेषण जो नहीं, कर रहे हैं ना, उनको फिर से मेरा सवाल आपसे वही होगा कि बिहार में आप इसको तो मुद्दा कह रहे हैं, बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, युवाओं का पलायन हो रहा है, पढ़े लिखों का पलायन हो रहा है, अच्छी खासी डिग्री वाले लोग बाहर जा करके बेकार मजदूरी कर रहे हैं जो काम नहीं करना चाहिए। इसी को मुद्दा बनाते जो नौकरी देने की बात थी, तो कम से कम युवाओं के बीच में जाते नौकरी का ही एक मसला होता। आपके पीछे अगर एक युवा समाज होता जो नौकरी को लेकर पढ़ा लिखा है, उनसे तो आपकी बात बहुत दूर तक पहुंचती। आपके जो जिस कंपनी में आप काम करते थे उनके लोग तो काम कर ही रहे हैं आपके साथ, जो आप कह रहे हैं कि मैं रिहायर कर रहा हूं उनको, उस कंपनी को पैसे दे करके मैं ला रहा हूं अपने ये स्वयंसेवी संस्था के तौर पर, जो अपने इस पद यात्रा में। तो युवाओं को यदि आप जोड़ते हो उससे और प्रत्यक्ष तौर पर अपना संदेश देते, खासकर नौकरी के मामले में, तो एक व्यापक मुद्दा बनता। ये 34 साल बार बार आप कह रहे हैं, तो 34 साल में नौकरी ही एक मान लीजिए मुद्दा, शिक्षा छोड़ दीजिए, हेल्थ स्वास्थ्य छोड़ दीजिए, एक नौकरी का ही मुद्दा होता युवाओं के लिए, तो एक तो व्यापक हाँ, मुद्दा हो बेशक, जाता। लेकिन वही ना, अरे युवा आंदोलन बिहार में, जब युवा जयप्रकाश नारायण युवा ताकत के पुत्र क्या माहौल कर दिए थे, एक दिन में वो भी नहीं किए थे, वो भी लंबा समय लगा था, लेकिन हुआ था। तो आप किसी एक मुद्दे पर केंद्रित होकर चलिएगा, और जब आप बिहार के बेरोजगारी की बात लोगों को समझाते हैं ना, तो अब वो जवान अब जैसे जो चिराग पासवान के समर्थक और युवाओं की अच्छी खासी भीड़ उनके पास है, समर्थक हैं, वो प्रशांत किशोर में कोई दिलचस्पी नहीं लेते होंगे, नहीं ले रहे हैं। नहीं, तेजस्वी कोई यादव के खास जो समूह को नहीं बांधने तेजस्वी की। यादव के जो समर्थक हैं वो प्रशांत किशोर में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के नहीं, समर्थक अगर होते, चिराग पासवान के भी अगर समर्थक होते और नौकरी का मुद्दा होता, तो ऐसा लग सकता है कि, या लगता कि प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं प्राय सभी लोग उनके साथ होते। हाँ बेशक होता। तो देखिए, बेरोजगारी कैसा मुद्दा है ना, आपको याद होगा कि पिछले कई चुनावों में कई जगह से लालू जी के बिरादरी की युवा के युवा ने ही चुनाव अभियान के दौरान लालू जी के मुंह पर दो टूक कहा कि भैया आपको हम वोट क्यों दें, आपने मेरे लिए क्या किया, ठीक है आपका मेरा स्वाभिमान जगाया, मेरा आत्मगौरव जगाया, हमको बोलने की ताकत नहीं, लेकिन इस ताकत को लेकर हम करें क्या, नहीं समझ रहे हैं, तो हमको रोजगार दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, तो आप वोट भी हम आपको नहीं देंगे, आप जाइए हमारे पिताजी चाचा जी से मांगिएगा, जो आपको देते हैं, आपको मानते हैं कि नेता है समर्थक है, हम आपको नेता नहीं मानते, ठीक है व्यापक असरकारी नहीं हुआ कुछ, क्योंकि दूसरे लोग उसको लपकने के लिए तैयार नहीं हुए उस बात को सही तरीके से। लेकिन देखिए होता क्या है ना, कि आप आज की तारीख में किसी मुद्दे को समझाइएगा तो बड़ी तरीके से समझाने का, पहले की बात नहीं है कि हम लोगों को कोई रेफरेंस ढूंढना होता था तो लाइब्रेरी की ओर दौड़ते थे, ठीक है ना, अब हर एक हाथ में मोबाइल है, सब कुछ है, आप कोई भी आंकड़ा गिनाते हैं, कुछ करते हैं तो तुरंत सामने वहां सर्च कर लेता है और सारी बात आ जाती है सच्चाई की हद तक, ये हम नहीं कहते कि पूरी की पूरी सच्चाई। अब बेरोजगारी की ही बात करेंगे, पलायन की भी बात करेंगे, तो बहुत तरीके से समझाना होगा कि रोजगार हम देंगे तो कैसे देंगे, कहाँ देंगे, ठीक है ना, पलायन हम रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये बेरोजगारी की समस्या सिर्फ बिहार की ही समस्या नहीं है, ज्यादा कम हो सकती है, पलायन की समस्या चाहे रोजगार के लिए पलायन की समस्या हो या शिक्षा के पलायन की समस्या हो, ये पूरे देश की कमोबेश समस्या है। आज के तारीख में भी कितने लोग विदेश, बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, भारत से कर्ज ले लेके जा रहे हैं विदेश पढ़ने ना,
और अच्छे अच्छे लोग यहाँ हम आपको गिना देंगे 10 VC के बच्चे, VC के लड़के जो यहाँ के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में कुलपति बने बैठे हैं, बिहार, यूपी, एमपी, ठीक है, जहां तक हम जानते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो जो स्थिति, तो तमाम बातें समझानी होगी, यह भी समझाना होगा कि उसने 32 साल में कुछ न किया, अगर बिहार में एक बड़े तरीके का कोई स्तरीय कॉलेज नहीं खुला तो किस राज्य में खुला है, और खुला है तो इसकी स्थिति क्या है। एक मॉडल भी आपको सही तरीके से दिखाना हो, चुनावी मॉडल की तरह ले आइए, तो है ही है लोकतंत्र, हवा बह जाएगा तो हो जाएगा, काम निकल जाएगा, तो निकल जाएगा तो सब पार्टियां निकाल ही रही, आप भी निकालिए, तो फिर आप अलग कैसे, ठीक है ना। हम यह कह रहे हैं क्योंकि चिंता तो अब सब, चिंता तो सब ग्रस्त है ना, वो चिंता का अब समाधान क्या है। हम लालू जी को हटा देते हैं, हम नीतीश जी को हटा देते हैं, हम बीजेपी को हटा देते हैं, हम आपको ले आते हैं, अब आप कल से क्या करिए, आपको हम कुर्सी दे दिया, हमारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, क्रमशः कुछ तो उपाय बताइएगा, किन पदों को भरिएगा, भरिएगा तो कहाँ सोशलिटी दीजिएगा, एक आखिरी सवाल, खेती होने लगे। एक आखिरी जी सवाल कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की डिग्री का मामला उठाते हैं, नीतीश कुमार की विफलता का मामला उठाते हैं, 18-20 साल में जो कुछ हुआ। आप कभी नहीं देखे होंगे कि चिराग पासवान का जो अभियान है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, एक बार भी उसके बारे में मैं तो कभी नहीं सुना इंडोर्स किए हो कि नहीं, चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कर रहे हैं उसको हम लोग मिल करके इंडोर्स करें, हम लोग मिल करके उसको बढ़ाएं या सामूहिक रूप से ऐसा कोई प्रयास करें। आपने कभी सुना इसके बारे में? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सुने, और कहीं ना कहीं उनका लाइन जो है वो दिखता है कि कहीं अपना स्वतंत्र लाइन नहीं है उनका, नहीं समझ रहे, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित है, या कहीं ना कहीं से वो उनका दुकान खुला हुआ है, नहीं समझ रहे हैं, चाहे जिधर का ग्राहक आ जाए, है ना। अब इस तरीके से देख रहे हैं, यह नहीं है कि कहता है कि उसके प्रोजेक्ट बिहार में खरीदो बिहार आप उधर। फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जब कहा जाता है तो लगता है कि बिहार के किसी मान अभिमान स्वाभिमान को लेकर एक बातचीत कही जा रही है, उसको कहीं से भी अगर बल मिले तो बढ़ाना चाहिए। तो कभी अगर प्रशांत हाँ बिहार के बदलाव को लेकर चिंतित हैं तो कम से कम कहते कि हाँ चलिए चिराग पासवान, हम लोग मिल करके ही कुछ बिहार को बदलते हैं। जी हाँ कहीं लेना चाहिए, जो समान विचारधारा के लोग हैं उनको लीजिए, सब कुछ करिए, उनकी तो पार्टी भी है, बनी बनाई हुई संगठन है, मेहनत भी नहीं करना है, उसे लोगों को जोड़ लेना है, सब कुछ करना है, मार्गदर्शन दीजिए, आप बढ़ाते ही हैं लोगों को, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं तो एक उसी युवा को बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। अब फिर लोकतंत्र है, अगर वो गलत रास्ते पर जाएगा, बात नहीं करेगा, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी की अस्थायी कुछ जागीर लिखी हुई है, जो कुछ जबरदस्ती तो बैठे नहीं रह जाएंगे कि और बदल नहीं, देंगे वहां संविधान पर वगैरह अगर का। मिल करके, अगर चिराग पासवान के साथ अगर मिल करके बनाते हैं तो आप ही बन जाइए, कोई उनकी तो ये जिद नहीं होगी चिराग पासवान की, मैं ही बनूंगा। वो तो कहते हैं कि हम उस तरह से सत्ता में, और उस सत्ता का स्वाद तो बहुत तरह से देखे हुए हैं पिछले 30-40 साल से। अरे पिछले का बचपन से सत्ता का स्वाद देख रहे हो, भले दूसरे की आलोचना कर दे, कुछ कह दे, लेकिन वो भी कोई तो अभावों में पले बढ़े, और कुछ ऐसी बात नहीं ना है भैया, तो अब हम लोग लोकतंत्र आगे है भी क्या इस पर पूछ रहे हैं। संवाद जारी रखेंगे। फिलहाल हाँ आपने जो समय निकाला जी उसके लिए आभार। नमस्कार। जी 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 नमस्ते।